बहुत हुआ तमाशा, इस तमाशे को एक्सपोज कर दूंगा मैं आज। बनिए पूंजीपतियों के प्रवक्ता मत बनिए, सुनिए कौन से पूंजीपति, मैं सिर्फ पूंजी, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, मैं देश का अडानी और अंबानी, देश के किसान, अडानी और अंबानी, देश के किसान और अंबानी, राम लोगों के लिए बोलूंगा। आपके प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ मैंने कितनी बढ़िया बात कही है। मैं बताता हूँ क्या खेल हुआ है इस कानून से। आप जानते हैं सोयाबीन के तेल में आग लग गई, 80 रुपए का सोयाबीन का तेल 135 140 रुपए पहुंच गया। क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान जी ने आगाह किया था जाते जाते, जब ऑयल के इंपोर्ट पर रोक लगाई सरकार ने, उन्होंने कहा कि जमाखोरों का खेल चालू होगा, और ये खेल चालू हो गया। बताइए सोयाबीन के ऑयल में कौन है? बाबा रामदेव नहीं है, अडानी नहीं है, अंबानी नहीं है, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार ने ये संशोधन कर दिया कि जब तक 100% तक कीमत नहीं बढ़ेगी सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। और दूसरी बड़ी बात बताता हूँ, फूड प्रोसेसिंग का काम ये लोग करते हैं, देहरादून में रिलायंस की कंपनी है, अहमदाबाद में अडानी जी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति। एक सेकंड, आप अपने बातों को, आप अपनी बातों को फैक्चुअली रखिए। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है किसकी तेल की कंपनी है, किसके तेल की कंपनी में कितना तेल जाता है, कितना कम तेल आता है। एक सेकंड, अब मुझे मनोज कुमार को लेके आने दीजिए। वो ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक चीज थी जिसके द्वारा ये इंश्योर किया गया था कि अगर जंग हो जाए, जंग के अलावा जो भी सिचुएशन में, आप किसी भी चीज़ की स्टोरेज कितनी कर सकते हैं वो सरकार रेगुलेट करेगी। मतलब आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आप होर्ड करके रख नहीं सकते हो किसी भी फूड की कमोडिटी को स्पेशली। अब इसमें क्या हो गया, इन लॉस के द्वारा फूड की स्टोरेज की लिमिट हटा दी गई है। दैट्स राइट, तो कोई प्राइवेट प्लेयर आएगा, उसकी स्टोरेज की कोई लिमिट ही नहीं है। प्राइवेट प्लेयर के पास बहुत कैपिटल है, वो स्टोरेज कर सकता है। वॉलमार्ट गूगल कर लो क्या करता है। एनीवे, वो स्टोरेज की उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब वो कुछ भी, चावल, आलू, आम, सेब, कुछ भी यार, जो भी खाते हो, एनीवे जो आप खाते हैं, उसकी स्टोरेज की लिमिट अब नहीं है। तो फार्मर से खरीदेगा जो भी है, यहाँ अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है, किसी और का नाम ले लीजिए, मित्तल, टाटा, जो भी है, वो खरीदेगा, वो अपने पास रखेगा। अब भाई बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो सप्लाई कंट्रोल करता है वो प्राइस कंट्रोल करता है। तो मार्केट में इन एसेंशियल कमोडिटीज, जो खाना खाते हैं हम लोग, इनका प्राइस क्या होगा, अब ये प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि किसान और मजदूर को अगर दमनकारी नीति उसके खिलाफ होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसीलिए खड़ा हुआ था कि किसान और मजदूर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, यहाँ पे कौन सी अंग्रेजों की कंपनी है? पतंजलि अंग्रेजों की कंपनी है कि भारत के बाबा की कंपनी है? अरे अडानी और अंबानी के भारत के नहीं है क्या? अडानी और अंबानी के लंदन से आए हैं क्या? इस देश की मिट्टी से बने हुए लोग नहीं है क्या वो लोग? नहीं, क्या आपको लगता है अंबानी और अडानी क्या इस देश के नहीं है? आप लोग अमेजोन के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते? वॉलमार्ट के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? आप देसी कंपनी को क्यों टारगेट करते? अंबानी अडानी इस देश के नहीं है क्या? नहीं, कहां के अंबानी और अडानी? वॉलमार्ट के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? अमेजोन के बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों नहीं बोलते? मैं जानना चाहता हूं क्या कारण है। अब आप सुनिए, नहीं क्या कारण है मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। पार्लियामेंट, नहीं नहीं पार्लियामेंट की बात मत करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सदन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां की बात कर रहा हूं। आपने बोला अंबानी अडानी, आपने 10 बारी बोला अंबानी अडानी, पूंजीपति कितनी बारी बोला? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूं क्यों नाम लेते हैं आप? बोलिए अबे जी, चाइना तो बोलिए प्लीज, बैठा अंदर। देखिए सुनिए, किसने बर्बाद किया हिंदुस्तान के उद्योगों को जानते हैं? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रहे हैं मोदी सरकार ने 6 साल में हिंदुस्तान के सारे एमएसएमई को बर्बाद कर दिया। चाइनीज कंपनियों को इतनी छूट दी खिलौनों के व्यापार में, साइकिल के व्यापार में, कंज्यूमर गुड्स के व्यापार में। उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने यह तक आरोप लगाया कि 1 साल तो ऐसा था कि 58% चाइनीज साइकिल को हिंदुस्तान में भरकर मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया, और अब ये मुखौटा लगाते हैं। अरे चीन अंदर तक घुसकर बैठा है संगीत रागी जी, इससे बेहतर प्रधानमंत्री भी चाइना को कोई नहीं मिलेगा, जो उनके प्रवक्ता की भांति कहता है कि ना यहाँ कोई आया है ना कोई घुसा है, देश के सामरिक हितों पर
हम हमला होता है, देश के किसानों पर हमला होता है, देश के असंगठित क्षेत्र पर नोटबंदी से हमला होता है, मजदूरों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। अरे कोरोना वैक्सीन का विरोध करके क्या विपक्ष भारत का भला कर रहा है? विजय सदाना, ये भारत का भला, ये भारत का, ये भारत के भले का तरीका क्या है? इनका विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि देश के, हाँ, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है, जयराम रमेश कांग्रेस के नहीं है, जयराम रमेश भी कांग्रेस के नहीं है, राशिद दलवी भी कांग्रेस के नहीं है, सलमान निजामी भी कांग्रेस के नहीं है, कोई कांग्रेस का तो है ही नहीं। तो अब पार्टी की कांग्रेस की लाइन जो भी हो, लेकिन जो इल्जाम थरूर ने लगाया क्या वो सत्य है? कुछ सच्चाई है इसमें। भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी चल रहा है, इसके नतीजे नहीं आए हैं। तो जैसे हम सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड के लिए कह सकते हैं कि ये 70% असरदाई है, यही बात अभी कोवैक्सीन के लिए पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हमारे पास ट्रायल के थर्ड फेज का डेटा नहीं है। मतलब ये कि वैक्सीन को सीमित इस्तेमाल के लिए जो परमिशन दी गई है उसमें जल्दबाजी हुई है। मतलब ये कि ये वैक्सीन बैकअप के लिए रखी जाएगी, और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत एक साथ पड़ जाए या ब्रिटेन वाले कोरोना के नए वेरिएंट से हालात बेकाबू हो जाएं, तब इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। यानी पहला यूज तो सीरम इंस्टीट्यूट वाली कोविशील्ड का होगा, जिसके सारे ट्रायल पूरे हो गए हैं, और कोवैक्सीन को अगले महीने जब ट्रायल का नतीजा आ जाएगा उसके बाद ही नॉर्मली यूज किया जाएगा। यानी ICMR और एम्स मान रहे हैं कि कोवैक्सीन सेफ तो है, लेकिन कितनी असरदार है ये हमें अभी इसलिए नहीं पता क्योंकि तीसरे ट्रायल के नतीजे नहीं आए, और इसीलिए इसे बैकअप प्लान के तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के आधार पर मंजूरी दी। लेकिन भ्रमजाल क्या होता है, इसका आईना आपने इसी कार्यक्रम में देखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है मोदी मोदी।